नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रामचंद्र यादव स्टीम इंजन पर आपका स्वागत है। आइए मैं आपको स्टाइलिंग इंजन बनाने का तरीका बताऊंगा, कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। ये मैंने दो डिब्बे खाली डिब्बे कबाड़ से उठाया हूँ। ये हिट के डिब्बे हैं और आप बियर के भी डिब्बे से बना सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक के भी डिब्बे से बना सकते हैं। जो आपको उपलब्ध हो उस डिब्बे से आप बना सकते हैं। तो मैंने ये दो डिब्बे लिया और एक ये अल्मीनियम का केबल के अल्मीनियम का तार निकाला और ये मैंने एक ये स्टील फ्यूल लिया जिसको स्टील रुई बोलते हैं, ये मैंने लिया। फिर मैं आपको, चलिए, एक ये पुराना पीबीसी बैंड, पीबीसी का ये बैंड है 0.5 इंची, अब मैं इसको 12 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, 12 सेंटीमीटर नाप कर इसको काटूंगा। अब ये बैंड को इसको यहाँ पर सेट करना है, इसके अंदर हमको यहाँ पर होल काटना है जिसकी मैंने नाप इस तरह कर दिया। गोलाकार करके हेलो, हाँ, अब ये जो है इसको, ये हमारा होल हो गया। अब होल करने के बाद इसी होल पर ये बैंड लगाकर चिपका दिया जाएगा। इस तरह इसको फिट करना है। टाइट होने के लिए इसको हम एक दो घंटे के लिए रख देते हैं एयरो लाइट लगा करके, और एम सील दोनों से मैंने ले लिया और इसको अभी लगा करके टाइट कर रहा हूँ। ये एम सील है, ये हमारा तैयार हो गया एकदम। खुद ठीक से मिला लीजिए इसको ताकि ये कायदे से मजबूत हो जाए। और अब ये बैंड इस होल में लगा करके इस तरह, और ये दबने पर डिब्बा यूं यूं हो रहा है, इसलिए इसके आगे हम दूसरा डिब्बा लगा दे रहे हैं ताकि ये अपनी जगह पर बना रहे। ऐसे दोस्तों इसको फिट करिए कायदे से, ये कहीं लीक ना होने पाए, नहीं तो अच्छे से आपका इंजन काम नहीं करेगा। अब इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे काटना है, काट कर फिर इसमें क्रैंक फिट करेंगे। हाँ, ये दोस्तों, ये इसको मैंने इसे काट लिया और ये जो है अब इसके अंदर हमको एक यहाँ पर इसके छेद करके और इसी में क्रैंक फिट होगा, और क्रैंक फिट करने के लिए इसके छेद करना पड़ेगा।
ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरह से कुछ ऐसे एकदम सीधा छेद करना है, क्योंकि इसी में क्रैंक फिट होगा। अब ये डिब्बा की कटिंग हो गई, अब इसको रखते हैं, अब बनाते हैं क्रैंक। और क्रैंक बनाने के लिए आपको अभी हम समझाएंगे, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखते रहना। क्रैंक को इस तरह मोड़ना है, ये बीच वाला ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये जो है ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री। आपको मान लीजिए ये बनाना है, तो आप इस तरह का एक तार लीजिए, और ये एल्युमिनियम का तार है। आप इस समय कोरोना के चलते हुए कोई दुकान खुल नहीं रही, नहीं तो साइकिल की तिल्ली का बहुत बढ़िया क्रैंक बनता है, और साइकिल की तिल्ली भी लगा सकते हैं इस क्रैंक की जगह पर, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह मोड़िए और इस तरह मोड़िए, फिर आप इस तरह मोड़िए, फिर इस तरह मोड़िए, और ये आपका क्रैंक तैयार हो गया है। और ये आपका हो गया 90 डिग्री में, और अब आपको 45 डिग्री मोड़ना है। तो 45 डिग्री आप ये जस्ट अपोजिट में आपको ये जो आपकी केम लगेगी, जस्ट अपोजिट ये आपका केम का तार केम का काम करेगा। ये आपको देखना है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको आप सही कर लीजिए। ये आपका बिल्कुल राइट हो गया, और जितनी लंबाई इसकी है उससे जस्ट आधा, जितनी लंबाई इसकी है, ये लंबाई है इतनी, ये लगभग आपकी 1.5 सेंटीमीटर है, और 1.5 सेंटीमीटर इसको मुड़ना है। ये इस तरह मोड़ दीजिए, ये इस तरह, और आपका जितना एक केबल बच रहा वायर उतना काट दीजिए। काटने के बाद ये आपको ये आपका क्रैंक तैयार हो गया। ये क्रैंक को इस डिब्बे में इस होल के अंदर लगाना है, इसको ऐसे फिट करना है। दोस्तों ये लग गया, मैं इसके ये तैयार हो गया। अब हमको इसमें एक यहाँ पर होल करना है, बिल्कुल सेंटर में ये। अब इसको हम यहाँ पर एक होल करेंगे, और होल करके फिर उसी में हमारा कनेक्टिंग रॉड जाएगा। अब दोस्तों ये टूल है, ये स्टील रुई है, स्टील रुई को इसका पिस्टन बनाएंगे, और ये आप कैसे देख लीजिए ये है, और इसको हम काट कर अपने मतलब भर के लिए ले रहा हूँ, बाकी का काम नहीं है। ये ऐसे काट कर और फिर मैं इसका पिस्टन बनाऊंगा। इसके अंदर मैंने रुई फिट कर दिया, रुई का पिस्टन बनाकर बढ़िया इसको अच्छे से बनाना है, और इस बहुत सफाई से, क्योंकि ये कहीं न ढीला पड़ना चाहिए न टाइट होना चाहिए, बिल्कुल कायदे से इसको साफ करना है, बिल्कुल कायदे से फ्रेश बनना चाहिए। ये हमारा पिस्टन अब बनके तैयार हो गया। अब इसको बिल्कुल इसके अंदर पड़ेगा,
ये पिस्टन इसके अंदर डालते समय ये ध्यान रखिए बिल्कुल ढीला होना चाहिए, ये इस तरह चलना चाहिए। इस तरह बिल्कुल ढीला होना चाहिए, किसी तरह पर ये फंसने फंसना नहीं चाहिए, तब ये बढ़िया आपका काम करेगा। इस तरह अब इसके ऊपर हम कैप लगाते हैं और ऊपर का डिब्बा फिर करते हैं। अब ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, अब इसके अंदर ये तार यूँ डालते हैं इसे इस तरह, और ये हम इसको इसी में टाइट कर देंगे। अब एक हम ये गुब्बारा जिसको बोलते हैं, ये गुब्बारा को इस तरह से यहाँ पर हम इसको काटते हैं, फिर ये हिस्सा हमारा जो बचा इसकी हम वाल बनाएंगे, इसकी हम वाल लगाएंगे। ये मैंने ये छोटा सा नेट ले रखा, ये छोटा सा नेट है, और इसमें एक वाशर इधर मैंने लगा दिया, और इसको मैं इसको गुब्बारे में ये है वॉल्यूम, इसको मैंने यहाँ पर सेंटर में लगाना है इसको दोस्तों, सेंटर में लगा करके फिर मैं इसको फिट करूंगा। अब ये थोड़ा लगाने में महीन तार है, बहुत बारीक तार है, इसलिए लगाने में थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इस समय दुकानें खुला नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने ये तार यूज़ किया हूँ, और बाकी अगर दुकानें खुला होती तो सारी सामान्य उपलब्ध मिल जाती। आप इसमें सरिया की और साइकिल की तिल्ली भी लगा सकते थे, साइकिल की तिल्ली से निकलेगा बढ़िया, और मोटा तार भी लगा सकते थे, ये तो मैंने एक जाली से निकाला हुआ तार है, ये जाली है, मच्छर की जाली है, इस जाली से मैंने इस तार को निकाला और फिर इसी तार में यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा समय लग रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ा रोक रोक कर वीडियो को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसको मैं इससे बांध दे रहा हूँ ताकि ये रुका रहे इसमें। अब ये जो है अपनी जगह पर टिका रहेगा, और इसमें चूड़ी जैसे मैंने लपेट दिया, अब ये टाइट हो जाएगा और अपनी जगह पर रुका रहेगा। और मैंने इधर का हिस्सा थोड़ा बाहर कर रहा हूँ ताकि ये घुमाकर कस सके। टाइट करके मैंने इसको टाइट कर दिया, ये
ये हमारे गेम तैयार हो गई, गेम शाफ्ट। अब ये गेम शाफ्ट तैयार हो गई, अब इसको मैं ये अपने स्टाइलिंग इंजन में फिट कर रहा हूँ। अब ये अब इसको रोकने के लिए मुझे कुछ सेफ्टी करनी पड़ेगी, तो मैं इसको सेफ्टी के लिए ये मैं गेटेस निकाल कर और इसमें लगा दिया और फिर मैंने इसको इस तरह इसको टाइट कर रहा हूँ। ऐसे इसको मैंने टाइट कर दिया। अब यह है, ये निकलने ना पाए, अगर निकल जाएगी तो हमारा इंजन काम नहीं करेगा। इस तरह इसको मैंने फिट कर दिया। अब दोस्तों ये फ्राई व्हील है, ये मैंने एक कैसेट ले ली और कैसेट के अंदर ये थोड़ा होल बड़ा है इसका, ये इसके अंदर मैंने एक ये वाशर बना ली और इसके अंदर ये रख करके मैंने इसको फिट कर दे रहा हूँ और इसको फिट करके फिर मैंने एक दूसरा ये फ्लाईव्हील इसमें फिट कर दूंगा ताकि थोड़ा इसका वेट भी सही हो जाए। मैं इसको फेविकुक से जोड़कर अभी फिट कर रहा हूँ। अब ये तैयार हो गया, ये हमारा इंजन तैयार है चलने के लिए। हेलो दोस्तों, ये अब ट्राई पर आ गया है, अब इसको किचन में लेकर के आए हैं और अब ये हीट करेंगे 30 सेकंड, 30 सेकंड के बाद फिर ये हमारा इंजन चलेगा। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कृपया कमेंट में जरूर बताना कोई कमी रह गई हो तो फिर बताना। जय भारत।